हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुकिटियार। आज हम बनाएंगे एक मीठा पदार्थ जिसे हम गोवा में पातोड़े कहते हैं। ये कोंकण में भी बनाया जाता है, जिसे मैंने मेरी माँ से सीखा है। ये स्वीट डिश हम त्योहारों पे बनाते हैं, जैसे कि नाग पंचमी, गणेश चतुर्थी या जब भी अपना मन कुछ मीठा खाने को करे तो यह बनाया जाता है। ये बनाने में बहुत सिंपल है, तो चलिए इसका प्रोसीजर भी देख लेते हैं। मैं अभी बना रही हूँ उसका फिलिंग, जिसके लिए मैंने एक कप ग्रेटेड नारियल लिया है और आधा कप गुड़ लिया है। अभी मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच असली घी लिया है, उसमें मैंने एक कप ग्रेटेड नारियल और आधा कप ग्रेटेड गुड़ डाला है। थोड़ी देर के लिए मैं इसे पकाऊंगी। जब तक गुड़ गल ना जाए तब तक उसे आप हिलाते रहना और अच्छे से मिक्स कर देना। 5 minutes later जैसे ही गुड़ गल जाए मैंने उसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाली है। इसी के साथ हमारा फिलिंग रेडी है। अब हम चलो बनाते हैं उसका आउटर लेयर। मैंने यहाँ पे एक बोल में 1 कप गर्म पानी लिया है, उसमें मैं 1 कप चावल का आटा डाल रही हूँ और 1/4 चम्मच नमक डाल के मिक्स करेंगे। थोड़ा गर्म रहता है इसलिए थोड़ा संभाल के आप चम्मच भी यूज कर सकते हो। अगर आपको पानी थोड़ा कम लगे तो ऐड कर देना। पेस्ट की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। मेरे पास स्टीमर नहीं था तो मैंने कढ़ाई में एक जाली रख के उसमें पानी डाल के इस तरह से स्टीमर बनाया है। अभी मैं इस तरह से हल्दी के पत्तों पे बैटर लगा रही हूँ। लेयर थोड़ा पतला सा होना चाहिए। हमारा आउटर लेयर रेडी है। अब उसमें हम फिलिंग डालेंगे इस तरह से। एक बात याद रखना, फिलिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। जितना आपका पत्ता बड़ा हो उतना ही आप फिलिंग डाल दीजिएगा, नहीं तो क्लोज करने में थोड़ी तकलीफ हो जाएगी। कुछ इस तरह से क्लोज करके आप स्टीमर में रख दीजिएगा। मीडियम फ्लेम पे आप उसे पका देना बंद करके। दस मिनट के बाद कुछ इस तरह से वो दिखेंगे। अगर पके नहीं हो तो आप वापस उसे बंद कर देना और 4-5 मिनट तक पका देना। हो गए हमारे पातोले तैयार, तो जल्दी से बनाइए और बताइए हमें कैसे बने। ये दिखने में अच्छे है, खाने में तो बहुत अच्छे है और उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। हल्दी की पत्तों के वजह से आपके किचन में भी बहुत अच्छी स्मेल आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना। कुक इट यार, इट्स सिंपल।